नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 122 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट लोएस्ट एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला मुख्यालय है जो सबसे कम एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, सबसे निम्न तुंगता पर जो है वो स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 122 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए बिलासपुर सही आंसर होगा। अब कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट भी हो सकता है, परंतु मैं बता दूँ कि ये आंसर जो है मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो ये बिलासपुर इसका सही आंसर है। अब बिलासपुर के बारे में बात करते हैं। बिलासपुर में बहती है सतलुज नदी। सतलुज नदी देखिए किस स्थान पर जो है वो बिलासपुर जिले में एंटर करती है। सतलुज नदी जो है वो कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर में एंटर कर जाती है। अगर हम बात करें बिलासपुर शहर की, बिलासपुर जो नगर है उसकी बात करें, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा दीपचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। गुरु का लाहौर कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिलासपुर के अंतिम शासक कौन थे? तो राजा आनंद चंद जो थे वो बिलासपुर के अंतिम शासक थे। और अगर बात करें पहले बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य हुआ करता था। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। 123 क्वेश्चन देखिए। इंदरसान माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इंदरसान माउंटेन पीक जो है वो कहाँ पर स्थित है? 123 का ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। कुल्लू में स्थित है ये इंदरसान माउंटेन पीक। अब इस इंदरसान माउंटेन पीक के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ जाता है यहाँ से कि कुल्लू में और कौन कौन सी माउंटेन पीक्स स्थित हैं। तो सोलंग कहाँ पर स्थित है? सोलंग जो है वो कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। एनिमल पास, एनिमल दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। उमाशिला भी कुल्लू में स्थित है। ये तो मैंने आपको कुल्लू के बता दिए। कुल्लू के अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कुछ आपको पता होने चाहिए। जैसे कि गेफांग पीक कहाँ पर स्थित है? गेफांग चोटी लाहौल स्पीति में पड़ती है। मुलकिला चोटी कहाँ पर पड़ती है? तो मुलकिला चोटी लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो ये दो आप एक्स्ट्रा भी याद रखिए। तो यहाँ से हमने चार पांच और भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सब आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। 124 में ये पूछते हैं लालूनी ज्योत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लालूनी ज्योत है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर ज्योत की बात की गई है। तो लालूनी ज्योत कहाँ पर स्थित है? 124 का जो है वो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही आंसर है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में स्थित है ये लालूनी ज्योत। अब लालूनी ज्योत लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं या फिर और कौन कौन सी दर्रे स्थित हैं, ज्योतें स्थित हैं? तो कुंजुम दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? लाहौल स्पीति कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में स्थित है। ये तो हो गए लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट दर्रे। और भी ऐसे दर्रे हैं जैसे कि पिन पार्वती दर्रा होगा। पिन पार्वती दर्रा कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। दुग्गी ज्योत होगी। दुग्गी ज्योत जो है वो भरमौर को लाहौल से जोड़ती है। तेंतु दर्रा हो गया। तेंतु दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। दुलची दर्रा हो गया। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। और उसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है कि जलोरी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जलोरी दर्रा कहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कालिका कुंड पानी का स्रोत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है कालिका कुंड? ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन 125 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब ये चंबा में स्थित है कालिका कुंड, ये तो आपको पता चल गया। इसके अलावा धानचो वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है? धानचो वाटरफॉल भी जो है कुल्लू में चंबा में ही स्थित है। तो एक धानचो हो गया, एक कालिका हो गया, ये दो आप याद रखिए। बाकी कुल्लू की बात कर लेते हैं। तो राहला वाटरफॉल कुल्लू में स्थित है। जोगनी वाटरफॉल कुल्लू में स्थित है। तो ये चार झरने बताए मैंने आपको, ये तो आप याद रखेंगे ही। बाकी एक समरहिल में भी स्थित है। समरहिल में कौन सा स्थित है? समरहिल शिमला में पड़ता है। तो यहाँ पर चैडविक वाटरफॉल जो है वो पड़ता है। चैडविक वाटरफॉल के बारे में याद रखिए। भागसुनाग कहाँ पर पड़ता है? भागसुनाग धर्मशाला में पड़ता है, मैक्लोडगंज में एग्जैक्टली ये पड़ता है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये जो तत्ता पानी है ये कहाँ पर स्थित है। तो तत्ता पानी गर्म पानी का जो चश्मा है, तो तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो मंडी में स्थित है। मंडी इसका याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 126। 126 को जो है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है। तो इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, परंतु यहाँ से कुछ और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए थे तो उस टाइम मंडी के राजा जो थे वो राजा सिद्धसेन हुआ करते थे। राजा सिद्धसेन यहाँ के राजा हुआ करते थे। और मंडी में जो है वो पंचवक्रता मंदिर भी स्थित है। मंडी में जो है वो भूतनाथ मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर आप याद रखिए।
कब ये आए थे गुरु गोविंद सिंह, ये तो हमने स्क्रैप कर दिया फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग, परंतु किसके कार्यकाल के दौरान आए थे ये आपको पता होना चाहिए, सिद्ध सेन के कार्यकाल के दौरान जो था ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। 127 में पूछते हैं विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था। बिलासपुर में एक बहुत ही फेमस आंदोलन हुआ था जिसका नाम था जुग्गा आंदोलन। जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। धामी आंदोलन तो आपको पता है धामी शिमला में हुआ था। पझौता आंदोलन भी आपको पता ही है कि सिरमौर में हुआ था। अब जुग्गा आंदोलन की बात करते हैं कि जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर। देखो जब ये जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था तो उस टाइम बिलासपुर के राजा राजा अमरचंद हुआ करते थे। अब राजा जो थे, राजा के जो कानून थे वो काफ़ी अत्याचारी थे, लोगों के ऊपर ये भारी पड़ रहे थे, लोगों को नुकसान हो रहा था, लोगों का शोषण हो रहा था, लोगों ने इसका विरोध करने भी करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों ने क्या किया, बिलासपुर में एक गेहड़मी नामक जगह है, तो गेहड़मी में बिलासपुर में लोगों ने क्या किया, झुग्गियाँ बनाकर रहने लगे, जो झुग्गियाँ होती हैं उनमें रहने लग पड़े, उनके ऊपर अपने इष्ट देवता का झंडा भी लगा लेते थे, जो भी उनको कष्ट होते थे उन कष्टों को भी वो सहते थे। अगर उनको गिरफ्तार करने को आता था तो वो क्या करते थे, ब्राह्मण वो खुद को जो था वो आग लगा लेते थे उस झुग्गी के अंदर ही, और वहाँ पर ही वो जलकर मर जाते थे। तो ये था झुग्गा आंदोलन, और यहाँ से जनता जो था वो काफ़ी भड़क गई थी। फिर राजा ने यहाँ पर बेगार प्रथा भी लगाई थी, वो भी काफ़ी कष्टदायी थी, तो इन सबको लेकर जो था ये आंदोलन हुआ। उसी तरह धामी की बात करें तो धामी में आंदोलन कब हुआ था, ये 1939 में धामी में आंदोलन हुआ था, काफ़ी फेमस आंदोलन था। पझौता की बात करें तो पझौता का आंदोलन 1942 में सिरमौर में हुआ था। और अगर झुग्गा आंदोलन की हम बात करें तो ये 1883 से लेकर 1888 के बीच में हुआ था, इसी टाइम जो था वो राजा अमरचंद यहाँ के राजा हुआ करते थे। तो ये सब आप यहाँ से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 128 देखिए, द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉल, नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हिंडूर था। हिंडूर क्या है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा। अब हिंडूर तो ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया गया है। उसी तरह बनेड़ की बात करें तो बनेड़ जो है वो सुंदरनगर का पुराना नाम है, बनेड़ के बारे में याद रखिए। और बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, बैजनाथ का पुराना नाम जो है वो किरग्राम है। नूरपुर का पुराना नाम क्या है, नूरपुर का पुराना नाम धमेरी है। और जुब्बल का पुराना नाम द्योरा है। तो ये सब आप पुराने नाम याद रखिएगा, पुराने नाम जो है इम्पोर्टेंट हैं थोड़े। नालागढ़ यानी कि हिंडूर की जब बात हुई तो हिंडूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हिंडूर की स्थापना जो था वो राजा अजय चंद के द्वारा की गई थी। और नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी, नालागढ़ जो शहर है उसकी स्थापना राजा विक्रम चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। और नालागढ़ को जो था वो हिंडूर रियासत की राजधानी भी बनाया गया था। ये आप याद रखिए हिंडूर नालागढ़ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट इन 1965। तो 1965 में मास्टर क्राफ्ट राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, ये जो मास्टर क्राफ्ट पुरस्कार था 1965 में ये किया गया प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन सी महेशी देवी जो है वो सही आंसर होगा। महेशी देवी को ये किया गया था। अब महेशी देवी को किया गया था कब किया गया था, 1965 में किया गया था। दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए, ये कौन सी फील्ड से संबंध रखती हैं, तो महेशी देवी जो है ये चंबा रुमाल से जुड़ी हुई हैं। तो चंबा रुमाल से जुड़ी हुई हैं, इनको नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन 1965 में दिया गया, ये सब याद रखिए ना। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो डिक्की डोलमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है, तो डिक्की डोलमा जो है वो कुल्लू जिले से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन सी कुल्लू जो है वो सही आंसर है। अब ये कुल्लू जिले से संबंध रखती है डिक्की डोलमा, ये क्यों फेमस है, इनके बारे में क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए जब ये 19 वर्ष की थी तो इन्होंने जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली थी। उस टाइम कौन सा ईयर चला हुआ था, उस टाइम 1993 चला हुआ था। तो 1993 में इन्होंने जो था वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उस टाइम ये 19 ईयर्स की थी, ये आप याद रखिए। तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए, कितने साल की थी, कौन सा ईयर चल रहा था, कहाँ से ये संबंध रखती हैं, और ये क्लाइंबिंग होती है माउंट क्लाइंबिंग उस फील्ड से ये जुड़ी हुई है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1974 में इनका जन्म हुआ था। अभी हमने कुछ दिन पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था निषाद कुमार से रिलेटेड। निषाद कुमार जो है ये ऊना जिले से संबंध रखते हैं। निषाद कुमार ने जो था वो सिल्वर मेडल इंडिया के लिए जीता था, और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने जीता था। अब टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, तो ये ऊना से संबंध रखते हैं, और इन्होंने हाई जंप की श्रेणी में ये पैरालंपिक में जो था ये जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। ये सब पहले भी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में वैसे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज दी फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे।
अगर हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो जस्टिस जे एन बनर्जी, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। अब जे एन बनर्जी जो था ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे। उसी तरह अगर हम बात करें मीर हिमदुल्ला बेग की, तो ये कौन थे? मीर हिमदुल्ला बेग जो था हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। उसी तरह बात करें टी वी आर दत्ताचार्य की, टी वी आर दत्ताचार्य का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। तो ये कौन थे? ये जो था पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश। और भी अगर हम इस तरह के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में बात करें तो पहले आर्मी चीफ कौन है जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे? पहले आर्मी चीफ जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे वो थे जनरल बी एन शर्मा। ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे श्री एन सी मेहता। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? वो थे के एल मेहता। और हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त आपने अभी पढ़ा टी वी आर दत्ताचार्य थे। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के श्री एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे श्री ई पी मून। और हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर कौन थे विधानसभा के? वो थे पंडित जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? वो थे कृष्णा चंद्र। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए। कल हमने कुछ और डिस्कस किया था, आज कुछ और डिस्कस कर लिया। अब फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 132। यहाँ पर पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मंडी जिले में टोटल विधानसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मंडी की अगर बात करें तो मंडी में कितनी सीटें हैं? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मंडी में फिर कितनी सीटें हैं? मंडी में जो है वो 10 विधानसभा की सीटें हैं। मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पर कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता था, काफ़ी बच्चे 8 कर किया जाते हैं। तो 8 जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की हैं, 15 जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हैं। उसी तरह 5 जो है वो हमने कल ही पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट चंबा की हैं। अब मंडी के बारे में आपको पता चल गया कि मंडी के कितनी हैं, 10 हैं, ठीक है। उसके अलावा कांगड़ा की पता चल गया। अगर हम बात करें ऊना में कितनी है, तो ऊना में 5 हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में भी जो है वो 5 ही हैं। और किन्नौर में कितनी है, तो किन्नौर में एक लोकसभा, एक विधानसभा की सीट है। और लाहौल स्पीति में कितनी है, लाहौल स्पीति में भी एक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में एक एक विधानसभा की सीट है। अब हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के कितने सदस्य जो हैं वो चुने गए हैं, इनके कितने सदस्य लोकसभा से हैं और उनके क्या क्या नाम है, ये आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास अगर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करें, उनको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 में कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो कोल डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो कोल डैम की बात करें तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। सतलुज नदी के ऊपर तो ये बना हुआ है, ये आपको पता चल गया। इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो कोल डैम को जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको जो NTPC जो है वो एग्जीक्यूट करती है। NTPC नाम याद रखिएगा। और उसी तरह भाखड़ा बांध को कौन एग्जीक्यूट करता है? भाखड़ा बांध कौन सी नदी के ऊपर है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर है और उसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। बस यहाँ से आप ये दो परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखिए। सतलुज नदी के ऊपर दोनों बनी हुई हैं। 135 में पूछा गया है बुरा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बुरा नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में किया जाता है? बुरा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये ऑप्शन ए सिरमौर में किया जाता है। 135 का ऑप्शन ए सिरमौर सही आंसर होगा। अब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और कौन कौन से ऐसे नृत्य किए जाते हैं? यहाँ पर झूरी भी किया जाता है, रासा भी किया जाता है, बिट्सू भी किया जाता है। ये तो सिरमौर के हो गए। सिरमौर के अलावा आप चंबा के भी याद रखिएगा। तो चंबा में जो है वो ढांगी किया जाता है, ढेपक किया जाता है, झांझर किया जाता है। ये सब आप चंबा के याद रखें। और लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति में सांध है, साबू है, लंगद्रामा है। तो ये सब लाहौल स्पीति के हैं। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।